उत्तराखंड सरकार राज्य के स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के उद्देश्य से कई अस्पतालों को पीपीपी मोड में संचालित करने जा रही है। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि सरकार को स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के सहयोग की नितांत आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हरिद्वार मेडिकल कॉलेज हरवाला देहरादून स्थित 300 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट कैंसर अस्पताल और हल्द्वानी स्थित 200 बेड के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के साथ ही हरिद्वार स्थित 200 बेड के एमसीएच सेंटर को लीन ऑन एड ट्रांसफर मॉडल पे निजी क्षेत्र के सहयोग से संचालित करने का निश्चय किया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, जो हमारे पास चार, जैसे मैंने बताया, चार हमारे रेडी टू इन्वेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो कैंसर हॉस्पिटल है हरावाला में, दूसरा हमारा हल्द्वानी में मोती नगर में 200 बेडेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तीसरा हमारा हरिद्वार में मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है और हमारा हरिद्वार मेडिकल कॉलेज है। हरिद्वार मेडिकल कॉलेज का 70% काम हो गया है, बाकी ऑलमोस्ट 100% कंप्लीट। तो ये रेडी टू इन्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। लीज ऑपरेट एंड ट्रांसफर मॉडल में हम लोग जो है पीपीपी मोड के तहत इन प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो इसी का मैंने आपको बताया कि लगभग 2000 करोड़ के आसपास एमओयू हुए हैं, लेकिन ये इन्वेस्टर समिट से पहले हो गया था। लेकिन आज जो बड़ी उपलब्धि है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप ने कमिटमेंट दिया है कि पूरे उत्तराखंड स्टेट में, चाहे वो पहाड़ का जिला हो या प्लेन का जिला हो, सभी जगह वो मेडिकल कॉलेज बनाने में पीपीपी मोड के माध्यम से वो सामने।